हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या अष्टाक्षरी। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 14.4 का 11 टू 15 क्वेश्चन तक किया था। इस वीडियो में हम 16 टू 21 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, तो चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे इतने ही क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर के, तो चलिए 16 क्वेश्चन है आपका। 3x² अपॉन में 3x² और उसके जो राइट हैंड साइड में आंसर दिया हुआ है 0, ठीक है। तो ये क्या होगा जब इसको हम कट दें, 3x² ऊपर भी है, 3x² नीचे भी है, ठीक है। तो जब ये कट जाएगा तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा आंसर, ठीक है। और ये जो इसके, लेकिन इसके बराबर में आंसर क्या दिया हुआ है, 0, लेकिन हमारा तो 1 आ रहा है, तो ये इसके इक्वल में नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट आपकी होगी, स्टेटमेंट आप डायरेक्ट सी एस भी लग सकते हैं, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट, जो 3x² है अपॉन में 3x² वो आपका 0 के बराबर में नहीं है, किसके बराबर में है, 1 के, ठीक है। जिसको हम सॉल्व करें तो 1 आएगा, तो ये आपका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। अब आते हैं अपने 17 वाले क्वेश्चन पे। तो 17 वाला क्वेश्चन है आपका, 3x² + 1 अपॉन में 3x² तो इसमें हम सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। जो 3x² है अपॉन में 3x², अब ये जो 1 है, 1 के नीचे भी तो हमारा 3x² होगा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन ये 3x², ठीक है। हमने इस तरह से अलग अलग करके लिख लिया। अब क्या करना है आपको, अब ये देखिए, ये 3x² 3x² कट के क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये जब इसको करें ये आपका कुछ नहीं होगा, ये आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर भी है। तो इसमें हमारा क्या आंसर आ रहा है, 1 + 1 अपॉन 3x² लेकिन बुक वाले ने कह रहा है कि आंसर 2 आएगा, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा, 1 + 1 अपॉन 3x², तो ये इसके बराबर में नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए सी एस में लिख दे रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट में ये जो 3x² + 1 अपॉन में 3x² है वो आपका 2 के बराबर में नहीं है, किसके बराबर में है, इसके बराबर में क्या आया आपका, 1 + 1 अपॉन 3x² के बराबर में है, तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये था आपका 17 क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने 18 वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो करते हैं इसको। अब इसमें दिया है आपका 3x, नीचे दिया है 3x + 2, ठीक है। तो इसको हम क्या ऐसे लिख लेंगे, इसको पहले हम अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। तो इसका जो, अगर ऊपर हमारे पास क्या है, अकेला एक टर्म है, ठीक है, 3x है और नीचे हमारे पास दो टर्म है, तो इसको ना हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, ये जो 3x = 3x + 2 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये आपका यही आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3x + 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेकिन अब बुक वाले ने आंसर क्या दिया आपका, 1 अपॉन 2, तो ये इसका जो आंसर है वो 1 अपॉन 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, यही आ जाएगा, ठीक है, 3x + 2, ठीक है, ये सॉल्व नहीं होगा। तो क्या है हमारा, जो राइट हैंड साइड की ये बराबर में नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट आपकी यही हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, अब ये जो 3x + 2
इसका जो इसके बराबर में क्या आंसर आएगा, यानी 3x अपॉन में 3x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर हमने करेक्ट स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए इसी तरह से बिल्कुल, ठीक है। तो अब यहाँ दिया है 3 अपॉन 4x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में एक ही टर्म दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी केवल ऊपर एक ही टर्म दिया है, नीचे दो टर्म दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये आपका इसी के बराबर में यही आ जाएगा, ठीक है, 3 4x प्लस 3, और इसका जो आंसर होगा वो यही आ जाएगा, हम इसी को लिख देंगे, ठीक है, 4x प्लस 3, ठीक है, यही आ जाएगा। लेकिन बुक वाले ने क्या कह रहा है कि 1 अपॉन 4x आएगा, तो ये बुक वाला गलत कह रहा है। तो ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी आपकी, तो करेक्ट स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं इसको, करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा जो 3 4x प्लस सॉरी प्लस 3 है, उसका आपका क्या आ जाएगा बराबर में, वही आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करें तो 4x प्लस 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही था। तो ये आपका इतना हुआ। अब आते हैं हम अपने 20 वाले क्वेश्चन पे। 20 वाला देखिए क्या है आपका दिया हुआ है, 4x प्लस 5 अपॉन में 4x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में दो टर्म दी हुई है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे। अब ये जो 4x है के नीचे भी 4x है, और ये जो 5 है, ठीक है, प्लस में 5 है, इसके नीचे भी आपका 4x है, ठीक है, 4x दिया हुआ है। तो जब ये क्या हो जाएगा, 4x से 4x कट जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा 1, और इधर क्या आ जाएगा आपका, कुछ नहीं होगा, तो ये 5 अपॉन 4x ही आ जाएगा। लेकिन बुक वाला कह रहा है कि आंसर क्या आएगा आपका, 5 आएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में आपका 5 दिया हुआ है, लेकिन जब हम इसको कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस 5 अपॉन 4x, ठीक है, तो ये इसके बराबर में नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी 4x प्लस 5 अपॉन में 4x, वो किसके बराबर में है, 1 प्लस 5 अपॉन 4x के, ठीक है। ये हो गया आपका 20 वाला क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 21 वाले पे, ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको। अब 7x प्लस 5 इज इक्वल टू, में 7x दिया है उसका आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 7x अपॉन 5 के नीचे 7x के नीचे भी 5 आ जाएगा, प्लस 5 के नीचे भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, अब ये जो 7x अपॉन 5, ये तो नहीं कट रहा, लेकिन ये हमारा 5 से 5 कट रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 7x प्लस 5 तो आएगा ही आएगा, प्लस यहाँ जी आपका कट हो जाएगा 5 से 5, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, बुक वाले ने आंसर आपको दिया हुआ है 7x, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, 7x अपॉन 5 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको लिख देते हैं, तो जो 7x प्लस 5 है अपॉन में 5, ये किसके बराबर में है, 7x अपॉन 5 प्लस 1 के, ठीक है, ना ही 7x के। तो ये था हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये हमारा आज चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।